बाहरी आकार बदलने से मन का विकार नहीं बदलता। अगर कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो, तभी आप सच्चे धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करो, तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ ही जलती है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं, जहां आपका उत्साह और जोश नीचे दब जाएगा, उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए अपने उत्साह और जोश की लौ को बुझने मत देना। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलो, क्योंकि चाबी से खुला हुआ ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला हुआ ताला सिर्फ एक बार काम आता है। एक अंधे को मंदिर आता देखकर लोग हंस कर बोले कि मंदिर में दर्शन करने तो आ गए, लेकिन क्या ईश्वर को देख पाओगे? फिर अंधे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है मैं देखूं या ना देखूं? मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही रहा है। अगर सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लेना, बस इतना ख्याल में रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जीवन में हम हर जगह जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वालों की ही दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर से कभी नहीं जीत सकते। मंदिर में ज्योति जलती है और दरगाह में दिया जलता है। गुरुद्वारे में ज्योति जलती है और गिरजाघर में लोग मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन लौ सबकी एक जैसी ही होती है। इससे पता चलता है कि सबका मालिक एक है। अगर कोई आपका प्रेम ठुकरा दे या फिर कोई आपके प्रेम को समझ ही ना पाए, तो कभी उदास मत होना, कभी अपने प्रेम को पाने के लिए छल मत करना। ये जरूरी तो नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे भी आपसे प्रेम ही हो। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम ना ही राज्य है और ना ही धन है, जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम तो वह शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, लेकिन खुद किसी बंधन में नहीं पड़ती। पके हुए फलों की तीन पहचान होती है, एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से एक अच्छे इंसान की भी तीन पहचान होती है, पहली उसमें नम्रता होती है और दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए और अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है तो किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है।
कोई दौलत के लिए सेहत खो देता है, तो कोई सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। मस्तक को थोड़ा झुका कर चलिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। जिह्वा पर विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा।